चौयासी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का श्रावस्ती द्वारा आज प्रवास के दौरान दो दिन तक श्रावस्ती में रहेंगे मंत्री। मंत्री के आगमन को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक। भिनका में सरदार पटेल की मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण। लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। जनप्रतिनिधियों भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का श्रावस्ती द्वारा प्रवास के दौरान दो दिन तक श्रावस्ती में रहेंगे। बता दें कि मंत्री के आगमन को लेकर भाजपाइयों ने बैठक। भिनगा में सरदार पटेल की मूर्ति का लोक माल्यार्पण करेंगे। लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। चलिए इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अलीम सिकंदर वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलीम, आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का श्रावस्ती दौरा है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का श्रावस्ती दौरा है और दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा की कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे और जनप्रतिनिधि भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और रसिया में एक जनजाति परिवार के साथ भोजन करेंगे। जी बिल्कुल, कई बड़े नेताओं के साथ जो है बैठक करेंगे और भाजपा ने भी जो है अच्छी खासी तैयारी कर ली है उनके दौरे से पहले, तो कहा जा सकता है कि नई सौगात वो श्रावस्ती को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, दे सकते हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी आने वाले निकाय चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। हर जिले में और मंडल स्तर के, बूथ स्तर के और नगर के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री बैठक कर रहे हैं और आने वाले निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में भी अच्छी जीत दर्ज कर सके। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है अभी और क्या कुछ तैयारियां हो गई और इनके साथ और भी कोई बड़े नेता शामिल होंगे इस दौरे में? जी, उनके साथ कई बड़े नेताओं के शामिल होने की खबर है और तैयारियां लगभग श्रावस्ती जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। केंद्र मंत्री के पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा और कार्यक्रम के अनुसार पहले वो सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद अपने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और दो दिन तक श्रावस्ती जिले में ही रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको लखनऊ से बताई जहां आलम सिकंदर वारसी का। बताते हमारे संवाददाता आलिम सिकंदर वारसी ने हमें जानकारी दी है जिसमें सब कुछ उन्होंने बताया है कि दो दिवसीय उनका दौरा है और बड़ी सौगात जो है केंद्रीय मंत्री द्वारा दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता हमारे साथ अभी जुड़े थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि भाजपाइयों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा भी से तैयार है। लगातार जो है बड़े बड़े मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं और ये दौरा कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात लेकर आने वाला है श्रावस्ती वासियों के लिए।